हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लोज टेस्ट, और ये क्लोज टेस्ट सभी बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एसएससी एग्जाम्स के लिए हाईली इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसलिए इस क्लोज टेस्ट को पूरा आप देखिए। इस क्लोज टेस्ट में मैं आपको कुछ गोल्डन ट्रिक्स बताऊँगा कि कैसे आप कम से कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ किसी भी क्लोज टेस्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप वोकेबलरी की 2500 वर्ड्स की वोकेबलरी की ईबुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस साइट पर आप ज़रूर जाएं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है englishiq.in, और यहाँ से सारी वोकेबलरी ईबुक्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, ये है क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट भी अलग अलग पैटर्न पर इस समय पूछे जा रहे हैं। लेकिन यदि आपके बेसिक्स क्लियर हैं, यदि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो किसी भी तरह के क्लोज टेस्ट को आप आसानी से कर पाएंगे। मैं अलग अलग वैरायटी के क्लोज टेस्ट इस चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर मैं करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इस क्लोज टेस्ट को। देखिए, इस तरीके का क्लोज टेस्ट SSC में, LIC क्लर्क में, IBPS क्लर्क में पूछा जा सकता है, क्योंकि बैंक PO में जो क्लोज टेस्ट आते हैं वो थोड़े से टेक्निकल होते हैं, लेकिन बेसिक्स सेम रहते हैं। ठीक है, तो यहां से इसको हम पढ़ते हैं। अ सॉल्ट सेलर यूज टू द सॉल्ट बैग ऑन हिज डोंकी। देखिए, यहां पर आपको केवल कीवर्ड्स देखना है और कोरिलेट करना है, चीजों को कोरिलेट करना है। ऑन हिज डोंकी यानी डोंकी के ऊपर सॉल्ट बैग, सॉल्ट यहां पर लिखा हुआ है सॉल्ट बैग, और यहां पर लिखा हुआ है ऑन हिज डोंकी। इसका मतलब क्या है कि डोंकी के ऊपर सॉल्ट बैग को एक सॉल्ट सेलर क्या करेगा, सॉल्ट बैग को डोंकी के ऊपर क्या करेगा, उसको लोड करेगा या उसको कैरी करेगा। तो यहां पर जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा कैरी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां पर टू भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं टू लगा हुआ है, तो टू के साथ यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ सकती है। तो कैरी जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी ये सही है। तो इस तरीके से आपको लिंक करना है, कोरिलेट करके आपको क्वेश्चंस को करना है। On the way they had to, अब देखिए यहां पर भी they had to लगा हुआ है, to लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की धारा। तो यहां पर क्या हो सकता है, आप अपने आप लगा के देखिए कि यहां पर उस स्ट्रीम को क्रॉस होने की बात हो रही है। तो यहां पर या तो अक्रॉस वर्ड आ सकता है या क्रॉस वर्ड आ सकता है, इससे रिलेटेड एक वर्ड आ सकता है। हमने दोनों लिंक्स देखी, हेड टू देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, स्ट्रीम देखा, पानी की धारा है। इसका मतलब क्या है कि वहां से गुजरने की इसमें बात हो रही है। जब सॉल्ट सेलर बैग को रख के ले जाएगा तो वहां से डेफिनेटली गुजरेगा। तो पास थ्रू, क्रॉस या अक्रॉस यहां पर वर्ड आ सकते हैं। देखिए, आप सेकंड में क्या है कि अक्रॉस क्यों नहीं आएगा, अक्रॉस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अक्रॉस जो होता है वो एक एडवर्ब की तरह काम करता है। गो अक्रॉस द रोड, गो अक्रॉस द पार्क, गो अक्रॉस द फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहां पर अक्रॉस ना आते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की जो एप्रोप्रिएट फर्स्ट फॉर्म है वो होगी आपकी क्रॉस। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये लग सकता है कि ये बहुत सरल क्लोज टेस्ट है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को आपको सरल नहीं समझना है, किसी भी क्वेश्चन को आपको कठिन नहीं समझना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। क्योंकि यदि किसी भी क्वेश्चन को आप सरल समझेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे, जैसा कि अक्सर होता है, और यदि आप टफ समझेंगे क्वेश्चंस को तो फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे और क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो सरल हो या कठिन हो, आपको प्री जज क्वेश्चन को नहीं करना है। तो यहां पर क्रॉस आ जाएगा और यहां पर आपका कैरी वर्ड आ जाएगा। अब देखिए, वन डे द डोंकी सडनली, अब देखिए वन डे हम कब बोलते हैं, एक दिन ऐसा हुआ। अभी सपोज, अभी प्रेजेंट में मैं कोई स्टोरी सुना रहा हूं और फिर मैं आपसे बोलता हूं कि एक दिन ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। यानी यहां पर जो वर्ब आएगी वो पास्ट सिंपल टेंस से रिलेटेड वर्ब आएगी। अब यहां पर एक कीवर्ड दिया है डाउन, अब डाउन किस वर्ड के साथ जुड़ सकता है, एक वैसा वर्ड यहां पर आएगा, प्लस यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। अब थर्ड में एग्जामिनर ने हमें क्या ऑप्शन दिए हैं, देखिए यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म टम्बल्ड दी है, टम्बल्ड, और टम्बल्ड के साथ डाउन वर्ड जुड़ सकता है, लिमिटेड के साथ नहीं जुड़ सकता, एप्रीहेंशन के साथ नहीं जुड़ सकता। एप्रीहेंशन तो खैर नाउन है,
एप्रीहेंशन तो खैर नाउन है, इसका मतलब होता है चिंता फिक्र करना या डाउट होना किसी चीज के बारे में। लिमिटेड भी नहीं हो सकता, लिमिटेड डाउन नहीं हो सकता, टम्बल्ड डाउन हो सकता है। और टम्बल डाउन वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी है और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सही है। टम्बल का मतलब होता है नीचे गिरना, ठीक है। वन डे द डोंकी सडनली टम्बल्ड डाउन, टम्बल्ड डाउन नीचे गिर गया। टम्बल डाउन द स्ट्रीम मतलब वो पानी की धारा में नीचे गिर गया। एंड द सॉल्ट बैग ऑल्सो। अब एक बात बताइए यहाँ पर कि डोंकी यदि नीचे गिरा है तो सॉल्ट बैग, टम्बल का मतलब होता है लुढ़क जाना, गिर जाना, ठीक है, इसको हम टॉपल भी बोलते हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, सॉल्ट बैग ऑल्सो, यदि यदि डोंकी नीचे गिरा है तो सॉल्ट बैग भी नीचे ही गिरा होगा, सॉल्ट बैग ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या वर्ड आ सकता है, यहाँ पर एक तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और गिरने से रिलेटेड एक वर्ड आपको चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है पावर, डिप, फेल्ड एंड फेल। फेल का मतलब होता है गिरना, फेल्ड का मतलब होता है गिराना। तो यहाँ पर आप एक बार बताइए क्या इस डोंकी को किसी ने गिराया है, नहीं गिराया है, वो अपने आप गिरा है। तो इसलिए यहां पर एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, फेल, फेल इनटू द वॉटर, सी सॉरी डी यहां पर आपका सही आंसर होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वॉटर एंड हैंस द बैग बिकेम वेरी लाइट टू कैरी, द डोंकी वॉज हैप्पी। देखिए ये यहां पर डोंकी ने एक चाल चली है, क्या चाल चली है कि वो पानी में जानबूझ के गिर गया है और उसके ऊपर नमक के थैले थे, सॉल्ट के बैग्स थे। जब वो पानी में गिरा तो नमक के बैग वहाँ पर डिजॉल्व हो गए और वो गल गए वहाँ पर, तो इसलिए उसको ज़्यादा जो लोड है उसको कैरी नहीं करना पड़ा, इसलिए डोंकी वॉज हैप्पी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, देन द डोंकी स्टार्टेड टू प्ले द सेम ट्रिक एवरी डे, ठीक है। अब उसको ज़्यादा लोड नहीं करना पड़ता था, इसलिए सेम ट्रिक को वो अप्लाई करने लगा डेली बेसिस पर। इसके बाद क्या होता है इस स्टोरी में, Then the donkey started to play the same trick every day. The salt seller came to the trick and decided to teach. Came to के आगे क्या आ सकता है यहाँ पर, कि salt seller जो था, जो उस donkey का मालिक था, उसको इस बात के बारे में पता पड़ गया। The salt seller came to know हो सकता है, और know का equivalent word है यहाँ पर understand. तो यहाँ पर हो जाएगा came to understand. Came to understand the trick and decided to teach a. टीच आ का क्या मतलब होता है, टीच अ लेसन, एक्चुअली एक फ्रेज होता है, टीच अ लेसन का मतलब होता है सबक सिखाना, किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को सबक सिखाना। तो यहाँ पर लेसन वर्ड ही आ सकता है। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लेसन भी दे दिया, लेसन का मतलब होता है कम होना, लेसन का मतलब होता है सबक सिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका सेकेंड लेसन। The next day he loaded a cotton bag. Next day उसने क्या किया, मालिक ने क्या किया, एक cotton bag यानी रुई जो होती है, जो कि बहुत ही हल्की होती है, वो उसके उस पर लाद दी, लेकिन donkey को इसके बारे में नहीं पता था। Again it played the same trick. It यहाँ पर जो आ रहा है ये donkey के लिए आ रहा है। Again it played the same trick. अब seven में क्या आएगा, That the cotton bag would be still become. देखिए यहां पर क्या आएगा, उसने सेम ट्रिक इस उम्मीद में खेली कि जो रुई है उसके ऊपर जो रुई उसके मालिक ने लादी हुई है वो और हल्की हो जाएगी, ताकि उसको भारी सामान को लोड नहीं करना पड़े, जैसा कि उसने सॉल्ट बैग के साथ किया था, ठीक है। तो यहां पर हम देखिए एक 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 ग्रामर का एक ट्रिक आएगी, यहां पर ग्रामर का एक एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से एक वर्ड होता है, वो यहाँ पर अप्लाई होगा। अगेन इट प्लेड द सेम ट्रिक होपिंग, उसने सेम ट्रिक को खेला ये उम्मीद करते हुए, उसने सेम ट्रिक को खेला ये उम्मीद करते हुए कि कॉटन बैग जो है ये और हल्का हो जाएगा। वुड बी स्टिल बिकम, देखिए स्टिल यहाँ पर एक वर्ड आया है कि स्टिल इसलिए आया है क्योंकि जो कॉटन होता है, जो रुई होती है, वो पहले से ही कैसी होती है, हल्की होती है, लाइट होती है। लेकिन डोंकी को इसकी नॉलेज नहीं थी, तो उसने क्या सोचा कि वो पानी में गिरेगा तो जिस तरीके से सॉल्ट डिजॉल्व होके बैग्स उसके हल्के हो जाते थे, उस तरीके से रुई भी हल्की हो जाएगी। लेकिन रुई को आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा, उसका तो वेट और बढ़ जाएगा क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पर हम क्या, हल्की तो वो पहले ही है लेकिन
डोंकी क्या सोच रहा है कि वो और लाइट से भी और लाइटर हो जाएगी, लाइट से भी और लाइटर हो जाएगी। तो यहां पर जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा लाइटर, ना कि लाइट, ठीक है। बट द कॉटन बिकेम वेरी हैवी। कॉटन बिकेम वेरी हैवी, किस तरह का कॉटन वेरी हैवी हो जाएगा? कॉटन, कॉटन तो दिया है यहां पर जो कि एक नाउन है, लेकिन यहां पर एक एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई करेगा इस कॉटन को। और किस तरीके का एडजेक्टिव यहां पर चाहिए जिससे हम ये बता सकें कि ये कॉटन हैवी है, वेरी हैवी। तो यहां पर पानी में डालने के बाद जो कॉटन जो हैवी होता है वो होता है डैम्पन, डैम्पन कॉटन। तो यहां पर आ जाएगा डैम्पन कॉटन बिकम वेरी हैवी टू कैरी एंड द डोंकी। इसका मतलब क्या हुआ? पहले वो हल्की रुई को ले जा रहा था, लेकिन उसने ट्रिक चली और पानी में डूब गया, तो उससे रुई क्या हो गई? और भारी हो गई। तो इससे क्या हुआ? डंकी को इससे खुशी होगी या दुख होगा? उसको दुख होगा, क्योंकि उसकी सफरिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। अब उसको भारी जो कॉटन है उसको कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सफर्ड। इट लर्नड ए लेसन, इट डिड नॉट प्ले द ट्रिक एनी मोर आफ्टर दैट डे एंड द सेलर वॉज हैप्पी। उसके बाद डोंकी ने कोई ट्रिक नहीं खेली और सेलर हैप्पी हो गया। तो इस तरह के क्लोजनेस डेफिनेटली आपसे LIC एग्जाम में, IBPS क्लर्क के एग्जाम में, SSC के एग्जाम्स में डेफिनेटली इस तरह के ट्रिक्स, इस तरह के क्लोज टेस्ट पूछे जा सकते हैं। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना बने। मैं सभी तरह के क्लोज टेस्ट, सभी तरह के क्वेश्चंस बताता हूँ इस चैनल पर, ट्रिक्स बताता हूँ कि किस तरीके से आप कम से कम टाइम में आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और यदि आप सिलेक्शन के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी पेड क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें, यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं। और मेरे जो कोर्सेज होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज होते हैं, एक साल की इनकी वैलिडिटी रहती है, बहुत ही कम इसकी फीस रहती है। मेरी वेबसाइट पर ये सारी पेड क्लासेज चलती हैं examinee.in पर। तो यदि इन क्लासेस को आप ज्वाइन करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। इनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं इन कोर्सेज में। और पेमेंट होने के बाद examinee.in पर मैं आपका कोर्स 10 मिनट के अंदर एक्टिवेट कर दूंगा। इनके लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये क्लोज टेस्ट, ज़रूर ज़रूर लिख के बताएं और कमेंट बॉक्स में इसको इस वीडियो क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें यदि आपको ये अच्छा लगा हो। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस नए वीडियोज़ के रेगुलरली मिलते रहें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।